दोस्तों, तुम लोगों ने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध इंसान को बर्बाद करके रख देता है, और ये सच है, क्योंकि क्रोध में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी कर तो देता है या कह तो देता है, परंतु इसका परिणाम कभी कभी उसे पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, और पूरी जिंदगी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से पश्चाताप में बीत जाती है, तबाह हो जाती है। दूसरा, क्रोध में किए हुए काम हमारे दिमाग में ऐसे घर कर जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटकता है। कभी कभी हम लक्ष्यहीन हो जाते हैं, और ये चीज हमें अपने सक्सेस के लिए, अपने काम के लिए फोकस करने में बहुत दिक्कत करती है। तो इनडायरेक्टली ये हमारे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डालता है जो सीधा तबाही की ओर इशारा करता है, सिर्फ एक छोटी सी चीज में अपना असंतुलन खोने की वजह से। तो क्या करना चाहिए इस घातक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, कैसे खुद को काबू करना चाहिए ऐसी घड़ी में जहां तबाह होने के लिए बस एक पहर की जरूरत होती है। तो आज भगवान बुद्ध की ऐसी प्रेरणादायी कहानी को सुनते हैं जो आपके जीवन में क्रोध के समय सही विचार करने की क्षमता पैदा कर देगी। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्य में से एक शिष्य खड़ा होता है और उन्हें बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है, तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने को कहता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक तक दिया। इसके बाद भी गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस शिखर को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया, मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर थे ही नहीं। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने यह बहुत बड़ा पाप कर दिया है। यह सब देख कर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ तुम हो कौन। गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका इतना अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूं जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए, वह अच्छी हो या बुरी उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए, मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूं, और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए, क्योंकि बीती हुई बातें हमारे दिमाग में ऐसे घूमती रहती हैं कि नई बातों के लिए वहां जगह ही नहीं रह जाती। जो लक्ष्य होता है हमारा, कई बार उससे भटक जाते हैं। जो मेहनत, जो ताकत अपनी सफलता को पाने में लगानी चाहिए, वो इन बेतुकी बातों पर लग जाता है, जिससे नए काम को करने के लिए वो ताकत ही नहीं बचती हमारे शरीर में। इसलिए मैं सबसे हमेशा यही कहता हूँ कि जो बीत गया सो बीत गया, और जो बीत गई सो बात गई, महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बात को माना करूंगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह और कुछ नहीं, जिंदगी को तबाह करने का इशारा है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है, और वर्तमान में जो वाकई में करना चाहिए उस चीज से इंसान भटक जाता है, और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोचें, यही जीवन का मूल मंत्र है। किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, यही सोच के बैठे रहे तो कभी भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता।
अरे लोग तो कहेंगे, उनके पास मुंह है, किस किस को चुप कराओगे? सबको चुप कराने से अच्छा है तुम ही चुप हो जाओ, अपने आप चुप हो जाएंगे। जिस दिन तुमने ऐसी घड़ी में चुप होना सीख लिया, लोगों के मुंह खुलने बंद हो जाएंगे तुम्हारे सामने। तो काम क्या करना है ऐसी घड़ी में? काम बस यही करना है कि शांत रह जाना है इस घड़ी में, अगर गुस्सा आ भी रहा है तो। दूसरा, अनसुना कर दो, नजरअंदाज कर दो ऐसे लोगों को जो तुम्हें बार बार भला बुरा कहते रहते हैं, बेवजह कोसते रहते हैं। देखना अगले ही पल वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। लोग भी पत्थर उन्हें मारते हैं जो चीखते ज्यादा है, जो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे लोहे में पत्थर मारते हैं, मिट्टी में क्यों नहीं मारते? क्योंकि लोहा तुरंत प्रतिक्रिया देता है, घंटों टन टन मारे जाते हैं, क्योंकि उन्हें मजा आता है लोहे के चीखने पर, उनकी आवाज सुनने पर। और मिट्टी शांत रहती है, कितने ही पत्थर मार लो बिल्कुल नहीं चीखती। बस यही स्वभाव रखना है तुम लोगों को भी अपनी जिंदगी में। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब कहानी आपको काफी पसंद आई है। तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना कि कहानी और वीडियो आपको कैसी लगी। दूसरा, अगली वीडियो किस प्रकार की देखना चाहेंगे और किस टॉपिक पर, जरूर बता के जाना। बाकी अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही हमारे चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरीज, जिंदगी बदलाव से संबंधित हाई पावर मोटिवेशनल वीडियो, वह प्रेरणादायी बातें और महान लोगों के अनमोल विचार सुनते रहें और अपने अंदर के मोटिवेशन को हमेशा जगाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।